मेरा तो मुंह सूख गया इसे कहते कहते। अरे वो लड़की आएगी तो क्या मेरा ही दिल बहलाएगी? इसको भी तो सीधा कर देगी ना। कैसी माँ हो तुम, बड़े बेटे के पास जाकर बैठ गई हो, और छोटा, छोटा तो उससे भी ज्यादा जिद्दी है, इसकी कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। ओफो, खुशी से ना मर जाऊं जिस दिन तुम्हारा बेटा वक्त पर घर आए। एक लड़की रखकर दी थी केयरटेकर, उसकी भी कल शादी हो गई। एक मेरा बेटा था, शादी के लिए कहा और फौरन तैयार हो गया। एक तुम्हारा बेटा नाफरमान कहीं का। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बड़ा गुस्सा चढ़ा बता दिया। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी के लिए फिक्रमंद थी, उन्हें लगता है तुम्हें अब तक कोई लड़की पसंद आ गई होगी। अब मुझे कह रही है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढूं। बस भी करे ना ये शादी का टॉपिक। ये टॉपिक खत्म नहीं होगा बेटा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक तुम हामी नहीं भर लेते। अच्छा मेरी शादी को छोड़िए, उस लड़की को सुनाइए किधर है जिसको घर लेकर आई नहीं, वैसे तो नहीं सारा सामान लेके भागी। बेटा किसी के बारे में ना बुरा नहीं सोचा करते, हर किसी को इस तरह नहीं देखते, बुरी बात है। अच्छा चलिए सॉरी। उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। वो कहती है वो बहुत अच्छे खानदान की लड़की है, शरीफ है। किसी की बात का यकीन करना सीखो बेटा, हर एक पर इल्जाम तराशियां नहीं किया करते, हर कोई बुरा नहीं होता बेटा। अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा ही पाओगे, याद रखना। ठीक है जी। राइट।